क्या आपको पता है कि जो मच्छर हमें काटता है ना वो मादा मच्छर होती है, नर नहीं। क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स की लिखावट इतनी खराब क्यों होती है? क्या आपको पता है कि मिनरल वाटर और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में क्या डिफरेंस है? और क्या आपको पता है कि जो कुत्ते होते हैं वो अधिकतर गाड़ी या कार के टायर पर क्यों पेशाब करते हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स कि आप सिर्फ एक ही बात बोलोगे, मजा आया। सही में मजा आया। मैं आपका होस्ट कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं हराउसी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, आपने कहीं जरूर सुना होगा कि जो हमें मच्छर काटता है ना वो नर नहीं मादा होती है। नर जो मच्छर होते हैं मुख्य रूप से फल और पौधों के अमृत को चूसकर अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन मादा मच्छर के केस में ऐसा नहीं है। उन्हें अपने अंडों को विकसित करने के लिए रक्त की जरूरत होती है जो हम इंसानों से आसानी से मिल जाता है। तो अगली बार जब आपको मच्छर काटे ना तो यह बात अपने दिमाग में जरूर रखना कि आपको जो काट रही है वो मादा यानी कि फीमेल है और खून चूसने वाला काम फीमेल आसानी से कर लेती हैं, चाहे वो मच्छर हो या फिर लड़की। नंबर टू, जब हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं ना और जब वो डॉक्टर हमारे लिए दवा लिखता है तो हम उस दवा के नाम को पढ़ नहीं पाते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हें काफी लिखना पड़ता है, इसलिए वे अपनी लिखावट पर ध्यान नहीं देते और डॉक्टर बनते बनते उन्हें बहुत मेहनत की होती है और कम समय में ज्यादा लिखावट की होती है। कम समय में ज्यादा लिखने से ऐसी लिखावट हो जाती है और समय बचाने के चक्कर में वे हमेशा बहुत ही तेजी से लिखते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर डॉक्टर्स की राइटिंग इतनी बुरी हो जाती है कि लोगों के लिए उसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। नंबर थ्री, जब आप कहीं से पानी की बोतल लेते हो ना तो वो आपको 20 रुपए में मिल जाती है, पर क्या आपको पता है कि वह पानी की बोतल मिनरल पानी नहीं होती है। मिनरल पानी की बोतल महंगी होती है। मिनरल वाटर वो वाटर होता है जो प्राकृतिक जगह से लिया गया होता है जिसमें हमारे शरीर के लिए लाभदायी खनिज तत्व मौजूद रहते हैं और उस पानी को प्यूरिफायर करके भिन्न भिन्न खनिज तत्व उसमें मिलाए जाते हैं। और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर वो पानी होता है जो हम हमारे घर में नल का पानी यूज करते हैं और यह एकदम नॉर्मल सा सामान्य पानी होता है, ठीक है, जो सिर्फ फिल्टर की वह रहता है। तो आप जो 20 रुपए में पानी की बोतल लेते हो ना वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बोतल होती है जो आपको सस्ती मिलती है। तो ये मत समझना कि मिनरल वाटर पी रहे हो। मिनरल वाटर और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बोतल को पहचानना भी सिंपल है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पानी के अलग अलग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। जिस पानी की बोतल पर IS 13428 कोड होगा ना वो मिनरल वाटर है और जिस पानी की बोतल पर IS 14543 कोड होगा ना वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। तो अगली बार आप कहीं से पानी की बोतल खरीदना ना तो यह चेक जरूर करना। नंबर फोर, कुत्ते जो होते हैं ना वो अन्य जानवरों को चेतावनी देने के लिए गाड़ी के टायर पर या फिर पेड़ पर या दीवार पर पेशाब करते हैं। वो अपनी बाउंड्री बनाते हैं एक तरह से पेशाब करके। लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि वे गाड़ी के टायर पर ही पेशाब करते हैं क्योंकि गाड़ी जो है ना वो दूर दूर तक जाती है तो मतलब उसके चक्के में गाड़ी के टायर में अलग अलग तरह के पदार्थ चिपकते रहते हैं, कहीं से मल मूत्र या फिर अलग अलग चीज चिपकता है। और कुत्तों की जो सूंघने की शक्ति होती है ना वो बहुत तेज होती है, तो जब वे सूंघते हैं ना तो उनको लगता है कि वो किसी दूसरे एरिया में आ गए हैं तो उस एरिया को भी अपना बनाते हैं, इसलिए वे टायर पर पेशाब करते हैं कि ये एरिया मेरा है। सिंपल भाषा में कहूं तो कुत्ता पेशाब करके ये साबित करना चाहता है कि यह इलाका मेरा है। नंबर फाइव, बिल्ली को आपने देखा होगा, बिल्ली कितनी छोटी होती है लेकिन बिल्ली के शरीर में मनुष्य की तुलना में ज्यादा हड्डी होती है। बिल्ली के कंकाल में 230 हड्डियां होती हैं जबकि मानव कंकाल में सिर्फ 206 हड्डियां ही होती हैं। नंबर सिक्स, हेलीकॉप्टर एक शब्द है ना, मतलब आपको लगता होगा कि हेली और कॉप्टर हेलीकॉप्टर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलीकॉप्टर दो शब्द हेलिको और पटर से मिलकर बना है जिसमें हेलिको का मतलब होता है स्पाइरल और वहीं पटर का मतलब विंग्स होता है। नंबर सेवन, इंडियन नेवी के पास अपना खुद का सैटेलाइट है। वे किसी भी देश के सैटेलाइट पर निर्भर नहीं है। इसरो जो G-SAT-7 बनाया था ना उस G-SAT-7 ने इंडियन नेवी के समुद्री क्षमताओं को कई गुना बढ़ा दिया है। नंबर एट, ज्यादातर मांसाहारी जानवर जो होते हैं ना जब वे पानी पीते हैं तो वे अपनी जीभ से चाट कर पीते हैं पानी को, लेकिन वही जो शाकाहारी जानवर होते हैं ना तो जब वे पानी पीते हैं ना तो पानी को जीभ से चूस कर पीते हैं। नंबर नाइन, क्या आपको पता है कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 30 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं होती हैं ना तो उन महिलाओं में जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना कम उम्र वाली महिलाओं की तुलना में ज्यादा होती है। नंबर टेन, हमारे मन में यह सवाल तो जरूर आता होगा कि हमारे मोबाइल फोन को चार्ज करने पर कितनी बिजली का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताता हूँ, आईफोन जैसा मोबाइल फोन एक दिन में 19 वाट आवर जितनी बिजली का इस्तेमाल कर सकता है, यानी एक साल में मोबाइल 7 किलो वाट आवर जितनी बिजली का इस्तेमाल करेगा। और अगर एक यूनिट बिजली खर्च करने पर 7 रुपए लगते हो तो 7 यूनिट खर्च करने पर मतलब कि 49 यानी 50 रुपए होंगे। तो आपका मोबाइल फोन एक साल में तकरीबन 50 से 70 रुपए की बिजली का इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 11, क्या आपको पता है कि जो कुत्ते होते हैं ना वे भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, मतलब हम इंसानों की तरह। अगर आप
अपने कुत्ते को छोड़कर किसी और कुत्ते को खिलाना या प्यार करना शुरू कर देते हो ना, तो वो आपसे या फिर उस कुत्ते से ईर्ष्या करने लगता है। नंबर 12, क्या आपको पता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है ना, उनके अनुसार जो इंसान झूठ बोलने में माहिर होता है ना, वे दूसरे के झूठ का पता लगाने में भी माहिर होते हैं। रीजन इसका सिर्फ यही है कि उनको झूठ बोलते बोलते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वे सामने वाले का झूठ आसानी से पकड़ लेते हैं। नंबर 13, क्या आपको पता है कि जो ग्लास होता है ना, शीशा, तो उस ग्लास को नष्ट होने में लगभग 10 लाख से अधिक वर्षों का समय लग जाता है। अमेजिंग। नंबर 14, क्या आपको पता है कि जो स्पेस में साइंटिस्ट होते हैं ना, तो वे साइंटिस्ट ब्रश करने के बाद थूक को निगल जाते हैं, क्योंकि ऊपर जीरो ग्रेविटी होती है और अगर वे थूकेंगे तो हवा में ही रहेगा और अंतरिक्षयान गंदा हो जाएगा, इसलिए वे निगल जाते हैं। नंबर 15, जब आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे स्लो म्यूजिक या क्लासिकल म्यूजिक बजता है, तो वे मॉल वाले ये म्यूजिक क्यों बजाते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो स्लो म्यूजिक होता है ना, वो लोगों को आराम से खरीदारी कराता है और अधिक पैसे खर्च कराता है, और वहीं क्लासिकल म्यूजिक लोगों को अधिक महंगी वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। नंबर 16, आप लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रचलित कॉमेडियन जॉनी लीवर का नाम जरूर सुना होगा, तो उनका मूल जो नाम है ना, जॉन प्रकाश राव है, लेकिन वे हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करते थे और वहां के वर्करों को फ्री टाइम में हंसाते थे, और उस फैक्ट्री में वह जॉनी लीवर नाम से प्रचलित हुए और फिर उन्होंने अपना नाम जॉनी लीवर ही रख लिया। नंबर 17, अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, तो वो जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से 600 मीटर ऊपर फटा था। बम के कारण लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा हुई थी, इतनी ज्यादा गर्मी कि तापमान स्टील को भी पिघला सकता है। तो इंसान का क्या हुआ होगा आप समझ गए होंगे, और सिर्फ 43 सेकंड में ही शहर के बीच का लगभग 80% हिस्सा तबाह हो गया था और 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मर गए थे। नंबर 18, जब आपको अपने भाई से या फिर दोस्त से कोई काम करवाना है ना, तो आपको लगता है कि वो मना कर देगा, तो आप एक काम कर सकते हो, आप उसके कंधे पर हाथ रखकर या फिर उसके हाथ को पकड़कर कहो, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार यदि आप कंधे पर हाथ रखकर या हाथ पकड़कर कोई काम कहते हो ना करने के लिए, तो उसके हाँ कहने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब वो काम कर सकता है। नंबर 19, ककड़ी में 95% पानी होता है, इसलिए जब हम ककड़ी खाते हैं ना, तो हमें प्यास नहीं लगती है। नंबर 20, क्या आपको पता है कि सिर्फ एक दिन में ही 28 गाने गाने का रिकॉर्ड भारत के मशहूर सिंगर कुमार सानू के नाम है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।